इस वेले की वड्डी खबर ईडी की कार्रवाई के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। ईडी दे वल्लों छापेमारियां तेज कर दित्तियां। बीते दिनी मोहाली दे विच छापेमारी कीती सी, तां हुण पठानकोट दे विच भी छापेमारी करन दी खबर सामने आ रही है। दस दिए कि सवेर तो ही जिहड़ी खबर सामने आ रही सी कि ईडी दे वल्लों 6 करोड़ रुपया जब्त किया गया सी भुपिंदर सिंह हनी, जो कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे करीबी रिश्तेदार मन्ने जांदे ने। हुण 10 करोड़ रुपया ईडी दे वल्लों जब्त करन दी खबर सामने आ रही है। 10 करोड़ दे विच्चों 8 करोड़ रुपए भुपिंदर सिंह हनी दे कोलों बरामद होए ने, जदों कि 2 करोड़ रुपए हनी दे साथी कोलों बरामद किए गए ने। सो वड्डी खबर तुहानू दिखा रहे हां कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे करीबी रिश्तेदार दे कोलों 8 करोड़ रुपए ईडी दे वल्लों जब्त किए गए ने। इस ईडी दे एक्शन तो बाद सूबे की सियासत गरमा चुकी है। वख-वख पार्टियां दे वल्लों प्रतिक्रम आने शुरू हो चुके ने। हर कोई चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब सरकार दे उत्ते निशाने साधन ते लागे ने। सुखबीर सिंह बादल ने बीते दिनी बयान दिता सी कि असी तां पहला ही ये गल कहिंदे सी कि चरणजीत सिंह चन्नी ही सब तो वड्डे रेत माफिया ने। उस तो बाद हुण चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान आया सी। चन्नी दे वल्लों ये कह दिता गया कि मैनू प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आवाज़ चुकण की सज़ा मिली है, जिस करके ईडी दे वल्लों अजिही कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां दे वल्लों लगातार छापेमारियां तेज कीतियां जा रही। बीते दिनी मोहाली दे विच ते अज पठानकोट दे विच छापेमारी की जा गई है। तुहानू दस दईए कि चरणजीत सिंह चन्नी दे बयान तो बाद सियासत दे विच होर भी पड़थू पै चुक्या है। आम आदमी पार्टी दे प्रतिक्रम सामने आ रहे ने। अमन अरोड़ा दे वल्लों ये कह दिता गया कि यह लंबे समय तो अजिहे ही कारगुजारी चल रही है। उस दे वल्लों पहला 10 साल जिहड़ा अकाली दल वल्लों अजिहे काम किए गए, हुण 5 साल दे विच कांग्रेस दे वल्लों अजे ही कारगुजारी दिखाई गई है। सीधे तौर दे उत्ते निशाने साधे ने कि माइनिंग माफिया लगातार सरगर्म हुंदा नज़र आ रहा। सरकार सत्ता दे विच कांग्रेस दी है तां कांग्रेस दे उत्ते आम आदमी पार्टी भावें कि अकाली दल भावें कि BJP लगातार सत्ता धिर पार्टी नूं घेरदी हुई नज़र आ रही है। गजिंदर शेखावत दे वल्लों हुणे ही एक बयान आया। उन्हां दे वल्लों इह कह दिता गया कि माइनिंग माफिया ते कांग्रेस इक्को चट्टे वट्टे इक्को थाली दे चट्टे वट्टे ने, ते लगातार सियासत भी गरमाउंदी हुई नज़र आ रही है। इस मामले दे उत्ते हर कोई सरकार नूं घेरदा होया नज़र आ रहा। जदों कि चरणजीत सिंह चन्नी दे बयान नूं देखिया जावे तां उह बयान चन्नी दे वल्लों उस घटना दे नाल जोड़िया गया जदों 5 तरीक नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी पंजाब रैली सी। पंजाब फिरोजपुर दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुँचना सी। BJP दे वल्लों वड्डा इकट्ठ करन दी गल आखी गई सी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला तो ही बेरंग परत गए सी। उस तो बाद उन्हां दे वल्लों सीधे तौर दे उत्ते पंजाब सरकार ते इल्ज़ाम लगाए सी कि सुरक्षा दे विच कोताही होई आ, जिस करके उन्हां नूं उत्थों मुड़ना पिया। हालांकि मौसम खराब सी ते जदों कि विरोधियों ने यह सवाल चुके सी कि खाली कुर्सियां नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन नहीं सी कर सकते, इकट्ठ नहीं सी होया, जिस करके वह वापस मुड़े सी। पर उस मामले दे विच भी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों 5 मैंबरी कमेटी का गठन कर दिता गया। मामले की जांच चल रही है, पर इलैक्शन तो पहला ईडी दे वल्लों एक्शन लेना यह वड्डे सवाल खड़े करता है। पहला सुखपाल सिंह खहरा ते जिहड़ा मनी लॉन्डरिंग केस दे विच एक्शन किया गया। हुण मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे रिश्तेदारां दे घर दे विच रेड की गई है। इस नूं यह दस्या जा रहा पंजाब सरकार दे पंजाब दे कांग्रेस दे आगुआं वल्लों कि यह सिर्फ ते सिर्फ बदलाखोरी की नीति अपनाई जा रही है। तुहानूं याद होवेगा यह गल उस दे नाल बिल्कुल जुड़दी है, जदों बिक्रम जीठिया के खिलाफ FIR दर्ज हुई सी तां उदों अकाली दल भी यही गल कहिंदा सी कि बदलाखोरी दे नीति अपनाई जा रही है। बदलाखोरी दे तहत यह मामला दर्ज किया गया ते हुण जदों कांग्रेस दे आगुआं दे घर ते रेड की जा रही है तां कांग्रेस दे वल्लों भी यही इल्ज़ाम लगाए जा रहे ने कि सियासी बदलाखोरी दे तहत केंद्रीय जांच एजेंसी दे वल्लों छापेमारी की जा रही है। वड्डे सवाल चुक रहे ने कि आखिर पहला क्यों नहीं एक्शन लिया गया, पहला क्यों नहीं कार्रवाई की गई। जदों इलैक्शन आउंदे ने अजिहियां कार्रवाइयां क्यों याद आ जांदियां ने। सीधे तौर दे उत्ते BJP ते निशाने लगाए जा रहे हैं। तो इधर BJP की गल करिए तां BJP दे वल्लों ये कहा जा रहा कि जेकर तुसी सही हो, जेकर तुसी सच्चे हो, जेकर तुसी ईमानदार हो तां तुहानूं
डर किस गल दा ईडी दी रेड कीती जावे छापेमारी कीती जावे तां जांच कीती जावे तां इस दे विच तुहानूं डर नहीं होना चाहिंदा तुहानूं डर किस गल दा ते इस करके ही जिहड़े आ पंजाब सरकार दे आगू होण कांग्रेस दे आगू होण बीजेपी दे आगू होण अकाली दल होवे आम आदमी पार्टी होवे लगातार जिहड़ियां सारियां पार्टियां इस मामले नूं उछालदियां होईयां नज़र आ रहियां ने ईडी दे वल्लों शिकंजा कसा गया हुण तक 10 करोड़ रुपए की नकदी जिहड़ी आ बरामद कर ली गई आ सवाल तां इत्थों तक चुके जा रहे हैं कि जदों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहिंदे ने कि असीं तां आम बंदे हाँ आम पार्टी दे ही बंदे हाँ ते उस तो बाद फिर आम व्यक्ति दे घर दे रिश्तेदारां दे घर चों 10 करोड़ मिलना एक वड्डे सवाल खड़े कर जांदा चन्नी दे उस बयान दे उत्ते भी आम आदमी पार्टी दे वल्लों ये सवाल चुके गए कि चरणजीत सिंह चन्नी कहिंदे आ असीं सधारण व्यक्ति हाँ असीं खेतां च कम करदे हाँ असीं मंजे सीधे तौर ते तंज कसा अमन अरोड़ा दे वल्लों ये कहा गया कि जेकर सधारण व्यक्ति दे घर दे रिश्तेदारां दे घर चों 6 करोड़ या 8 करोड़ 10 करोड़ मिलदा तां उह सधारण किवें हो सकदा इक आम व्यक्ति दे घरे इक रोटी तक लई उह मोहताज हुंदा पर जदों करोड़ां दी आमदन उहनां दे घरों फड़ी जांदी आ तां वड्डे सवाल खड़े होने लाजमी ने सो बीजेपी लगातार पंजाब सरकार दे आगूआं नूं पंजाब कांग्रेस दे आगूआं नूं घेरदे होए नज़र आ रही आ अकाली दल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे उत्ते तिखे शब्दी वार कर रहा सुखबीर सिंह बादल ने यह कह दिता गया कि पहलां तों ही पता सी कि चरणजीत सिंह चन्नी माइनिंग माफिया दे विच इनवॉल्व ने जदों कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उस बयान नूं भी याद करवाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी कि कांग्रेस दे सारे मंत्री माफिया ने माइनिंग माफिया दे विच इनवॉल्व ने उस बयान नूं भी विरोधियों ने पंजाब सरकार दे उत्ते निशाने ते लैंदिया होया याद करवाया सो लगातार तुहानूं वड्डी खबर दिखा रहे हाँ कि ईडी दे वल्लों वड्डा एक्शन किया गया 10 करोड़ की जिहड़ी नकदी जब्त कर ली गई है भुपिंदर सिंह हनी जिहड़े कि चरणजीत सिंह चन्नी दे करीबी रिश्तेदार मन्ने जांदे ने उन्हां दे कोलों 8 करोड़ रुपया ते उन्हां दे साथी कोलों 2 करोड़ रुपया जब्त किया गया सो लगातार तुहानूं वड्डी खबर दिखा रहे हाँ कि ईडी दे वल्लों वड्डा एक्शन किया गया 10 करोड़ की जिहड़ी नकदी जब्त कर ली गई है भुपिंदर सिंह हनी जिहड़े कि चरणजीत सिंह चन्नी दे करीबी रिश्तेदार मन्ने जांदे ने उन्हां दे कोलों 8 करोड़ रुपया ते उन्हां दे साथी कोलों 2 करोड़ रुपया जब्त किया गया लगातार दिखा रहे हैं वड्डे सवाल ने आखिर हुण इह 10 करोड़ रुपया आया कित्थों आ किवें उन्हां दे घर च सी इस दे तार होर कित्थे जुड़े हो सकदे ने कौन इस मामले दे पिछे आ क्योंकि ईडी दे वल्लों संकेत दित्ते गए ने कि वड्डे चेहरे भी इस मामले दे विच पर्देफाश हो सकते हैं किहड़े वड्डे चेहरे ने जिहड़े इस मामले दे नाल जुड़े हुए ने आउण वाला समां तय करेगा केंद्रीय जांच एजेंसियां जल्द ही वड्डे खुलासे करनगियां होर भी तुहानूं पल पल दी जानकारी दिंदे रहांगे लगातार जुड़े रहो।